तो चिंता ने छोड़ो और चिंतन ने बढ़ाओ। और जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, जो कथा है, हाँ, सद ग्रंथ है और मुक्ति प्रदान करे, मुक्ति प्रदान करे। रामायण जी, रामायण है ना, रामायण, रामायण अपने जीनो सिखावे कि किस प्रकार अपन जीवा। परिवार में अपन की कर रेणो है, मात पिता के साथ की कर रेणो है, भाई के साथ की कर रेणो है। रामायण किस प्रकार राम जी त्याग करियो, भाई रो प्रेम देखो, माता के साथ प्रेम देखो, पिता की आज्ञा देखो। रामायण अपने जीनो सिखावे कि की कर जिंदगी जीनी है, हैं? और भागवत अपने मरनो सिखावे, मरे तो जानवर भी मर जा, कुत्ता ही मरे तो रोड़ा मत है, हैं? की कर मरनो, मरनो वही सार्थक है जो दुनिया में लोग याद करे कि भाई भलो आदमी हो रे, भगवान खोटी करी कहे ना सर, एने कोई दुष्ट आदमी रे पापो कटियो मरियो तागो, धरती में तू बोझ कम रही हो, तो मरनो, मरने और बाद में जिको लोग याद करे वो सचो मरनो है, वो जिंदगी है। बाकी आयान गया की मतलब के तो गाय लो भगवान रा गीतड़ा के चुनाए दो परमात्रा भीतड़ा, जो आएगी पीढ़ी याद रहा कि सा कि हाँ वो गोशाला मैंने कमरो, अरे सा मार परदादा जी बनान गया सा, बड़ा भला आदमी आ वो मार गाय रटे आदो को मार खेली बनान गया, तो वो खेली माता नाम है मार परदादा जी नाम लिखो खेली माते आदो को ठान गाय वास्ते मारा दादाजी बनान गया, पर दादाजी बनान गया तो नाम जब तक चांद सूरज रही नहीं तब तक वो हणो नाम रही। बाकी खाया न पिया न गया, आ तो लक्ष्मी है परमात्मा मारे जितनी खर्चोला भगवान और दे लागे ले लीजा और ले ने रुकाल रुकाल माइंड राखो तो पड़ियो पड़ियो तो पानी खराब रह जा वही बासन लाग जा। तो मैं नहीं कहूं कि हैंग लुटाई दो, 100 रुपया मानो 10 रुपया परमार्थ रे माते काम कर दो, गाय रे वास्ते कर दो, एक बार करूं देखो री खाई लो कि कर दे उनके दांत पूरो में बस देखो थे खुद। अगर परमात्मा थाने नहीं दे तो देख ली खूब दे दोनों हाथों लुटाई। सुध जी महाराज की एक भागवत कथा सुनने अधिकार तो देवता ने भी नहीं है। जिन टाइम रा सुखदेव जी महाराज राजा प्रसिद्ध ने भागवत कथा सुनने लगा तो देवता सगला आया, देवता ठा पड़ी के सुखदेव जी महाराज प्रसिद्ध ने भागवत सुना रिया है तो अमृत रो कुंड लेना आया, अमृत रो प्यालो दान सुखदेव जी महाराज ने कियो लो, वो कहीं है कि वो अमृत है। राजा प्रसिद्ध ने सांप मिलो है कि 7 दिन बाद मैंने तक्षक नाग आई, वो नाग भी ने सांप खा जावेला एंड मौत हो जावेला, वो अमृत है एंड पाए देवा एक दिन नहीं मरे। तो सुखदेव जी महाराज हसिया देवता माते कि देवता थे बड़ा चालाक हो, वो अमृत तो थोड़ा दिन बाद रे मैंने पी ली, केवे नहीं अमृत निका केवे सब कोई और पिया बिना अमर नहीं होई, तो अमृत कियो और राम नाम रूपी अमृत है, इन्हें पियो तो आप अमर हो जाओला। शरीर है देखो आपने बहुत अच्छी बात बताऊं, एक एक दृष्टांत है, एक कोई राजा हो तुम्हें कोई संत महात्मा मिले है। राजा संत महात्मा ने के कि महाराज मन अमर रहनो है, अमृत पीनो है, मरमा तो कृपा करो और मने कोई जगह बताओ तो कि मैं अमृत मिल जा। संत महात्मा के ठीक है भाई, तो बता दियो कि इतना दूर विपाड़ उपाड़ है, विपाड़ नीचे गुफा है, गुफा मायने एक झरनो चले, वो अमृत रो झरनो है, वो अमृत पी लीजो तू अमर हो जाई। राजा आप घोड़ा माते बैठ और उठे पहुंचियो, जो गुफा मायने पहुंचियो और अमृत रुकुंड और अमृत झर रियो है, जू पीव लगो अमृत और बटे आवाज आई, राजा अमृत मत पीजे, राजा अमृत मत पीजे, पछतावेला। राजा के बड़ी मुश्किल तो मन अमृत मिल रही है, अमर जाऊं मैं, इतना मारा राज राज दरबार है, इतना मारा ठाट बाट है, इतना मारो राज्य है,
इरो में सुख कदी भोगू, मैं एकलो आदमी, तो महाराज वे सगला मना करे। चारों मेर देखे राजा का आवाज कटो, आगे देखे तो जानवर पड़िया है, तड़प रिया है, हंस तड़प रिया है, हिरण तड़प रिया है, कागला तड़प रिया है, पशु पक्षी हैं तड़प रिया है, और इतना बूढ़ा रहेगा वे तो तड़प रिया है। तो जान मैंने पूछियो राजा कि थानी लुगारिया दशा आकी करे कि मां सब लोग अमृत पियो, कही क्यों मां सब लोग अमृत पियो, अमृत पीना अमर तो रहेगा लेकिन वो शरीर है वो तो बूढ़ो रही छे, अमृत पियो तो आत्मा अमृत पियो है, शरीर तो आप लोग काम करी छे, बालक हो बालक को जवानी आई जवान हो बुढ़ापा आयो और बुढ़ापा बाद में कही है, कही रहे ऐसा बुढ़ापा बाद में मरनो है, लेकिन अमृत पी लियो अब शरीर तो रखो बुढ़ो लेकिन अब मरे को नहीं, अब पड़िया है भगवान ने कहे परमात्मा मोह दे दे मोह, लेकिन जगह जगह शरीर पर घाव पड़गा, अब दुख तकलीफ पा रहा है लेकिन प्राण नहीं निकल रहा है, अमर तो रहेगा अब शरीर छूटे को नहीं। तो राजा रही आंख खुली करे मारा अमृत तो नहीं पीणो है, संत महात्मा जान चढ़ना पड़ियो कैसा कैसा अमृत पीणो था कि नहीं पीणो अमृत, तो संत महात्मा के सच्चो अमृत है भगवान रो नाम, वो पियो आवागमन छूट जाओ, संतारो शरणो ले लो। तो सुखदेव जी महाराज देवता ने मना कर दे कि थे वो अमृत पावो, मानो अमृत की चीज है भागवत वो अमृत पी तो आवागमन मिल जाए परमात्मा रो शरणो मिल जाए। तो देवता क्या के भागवत्री और अमृतरी बराबर की कर कैसा थाना वालो अमृत तो कांच है वो हीरो है मणि है, और एक पाड़े सगला ग्रंथ लान रखिया और एक पाड़े भागवत जी ने रखिया और ब्रह्मा जी तकड़े उन तोलिया, तोलता ही भागवत जी रो तकड़ियो नीचे आएगा और बाकी सब ग्रंथ ऊंचा आएगा। अब बताओ जिन माने भार रही नहीं वो नीचे आई तो सारा ग्रंथ तारो सार गई है श्रीमद भागवत कथा। अब आप लोग सोचो कि आप लोगों ने रामायण ने शिव पुराण ने महाभारत ने गीता ने भागवत जी सब लान आपने दे दे इनके सब पढ़ो, चार वेद लान दे दे तो अपन पढ़ी जे नहीं पढ़ी जे सा उम्र ही अपनी छोटी पड़े तो वेद व्यास जी महाराज कई करियो एनो सबरो से दूध रेनी नहीं जमाया बात है मत्था अपना माखन निकल जा तो ओई माखन है भागवत जी सारे ग्रंथारो सारा वेदारो वो सारे जिको आ कथा सुन ले मैंने सारे ग्रंथारो वेदारो सबरो फल मिल जाए करे सबरो सार अबे केवे सा कि नारद जी महाराज भागवत कथरिया विधि कि किन प्रकार भागवत जी सुननी चाहिए किन प्रकार बैठना चाहिए किन प्रकार अभिधि किन को सुनी तो आ सुनी सनत कुमार का एक बार नारद जी महाराज देखो सुन जो बड़ी सुंदर कथा है सब मैं बहुत आराम से सुनाऊ आपने एक प्रसंग आ कथा कट चल रही है निमिषारण्य मायने शुरुआत उठ रही है कथा कौन सुन रहा है इट्टे से हजार से सुन रहा है कथा कौन सुना रहा है सुत जी महाराज सुना रहा है एक कथा मायन देखो सारा प्रसंग निकलेगा ठीक है। तो पूछियो कौन पूछियो सोनका दिशा से पूछियो सुजी महाराज ने कि नारद जी महाराज आ कथा विधि किन कौन सुनी तो केवे के नारद जी महाराज एक बार इन मृत्यु लोक रे मायन आया के भगवान का घने तीर्थ है भगवान का घने भगत है तो मेटे तीर्थ में जाऊं और थोड़ा भगवान रे भजन करूं जो ही हटाया तो मैंने मन में शांति नहीं मिली पुष्कर राज गया तो बटे शांति नहीं मिली क्यों शांति नहीं मिली क्योंकि आजकल लोग लोग पाखंड करने लगा दिखावारी भक्ति करे दिखावारी भक्ति करे
धर्म रे काम रे माते गाया रे काम रे माते पयो देवनो केवा तो कैसा कोनी और चुनावारा में देख जो लुटा वेला पयो चुनावा में देख जो लोग पयो लुटा वेला और अटके दस गाया रे वास्ता आपने देनो है करनो है तो हाथ नहीं झुके हरिद्वार में किया नारद जी महाराज तो भी मन ने शांति नहीं मिली गुजरात में किया तो भी शांति नहीं मिली चारों मेर फिर गा नारद जी महाराज दुखी रहेगा कि मैं कटे जो जो मन ने शांति मिले तो नारद जी महाराज घूमता घूमता कट गया वृंदावन में बोले वृंदावन धाम की और वृंदावन धाम किरो है मारा सांवरिया रो ठाकुर जी रो वृंदावन धाम है बट जाता ही एक आश्चर्य देखियो कहीं देखियो एक जवान स्त्री एक जवान माता खड़ी है और फिर कन्ने वो बुढ़ा आदमी होता है और वह माँ रो रही है अरे कोई तो मतलब टाबरिया ने मार उठा हुआ उन्होंने पुण कह रही है एक औरत कह रही है मतलब जवान और दो कन्ने बुढ़ा आदमी होता वह जोर जोर मदद वास्ता पुकारे अरे कोई आओ रे मारा बच्चा ने उठाओ नारद जी जान करने की हो क्या आप कौन हो तो औरत की हो मैं हूं भक्ति माता कौन हो भक्ति भगवान की भक्ति रहनी भक्ति और एक कौन है दोनों उत्तर देखो है ज्ञान और वैरागी है कौन है दोनों डोकरा होते कौन है ज्ञान वैरागी है कि माता जी आप बात मारता समझ में नहीं आई कौन क्यों नारद जी कि आप तो इतना जवान हो ये दोनों इतना बूढ़ा रहेगा वो कारण कह रही हो तो भक्ति माता के कि मैं धरती माता आई द्रविड़ देश में आई और मैं गुजरात रामायण आई गुजरात में आते ही मैं बूढ़ी रहेगी कटे गुजरात रामायण है बहुत पाखंड है लोग दिन रात करे भजन और रात रात जीव हत्या जितो खानो पीनो अटक होनी है गंदो खान पान उतो गुजरात रामायण है जितो गंदो खान पान अपन अटक होनी है जितो गंदो खान पान जीव हत्या गुजरात जो समुद्र किनारा है नहीं एना माध्यम को जता रहे तो बूटे जाते भक्ति भक्ति माँ बूढ़ी रहेगी और दो हाथ में पुत्र आ ज्ञान विरागी ए बूढ़ा रहेगा घूमता घूमता वृंदावन रे मायने भक्ति में आई अट आता ही भगवान कृष्ण की कृपा सु भक्ति तो रहेगी जवान क्योंकि बटे ज्ञान और ज्ञान को नहीं है वृंदावन में ज्ञान और विरागी नहीं है बट सिर्फ भक्ति है और कही है राधे राधे तो आपा भी भगवान रो राधे राधे कीर्तन कर ला राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे अरे हो जाओ नाच लो ताली बजा लो और गाय माता की सेवा कर लो हरि बोल राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे नाम अनमोल बोलो राधे राधे ओ बोलो राधे राधे बोलो राधे राधे बोलो राधे राधे बोलो राधे राधे श्यामा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे श्यामा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे हरि बोल जय हो जय हो कैया भी बोले राधे बछड़े भी बोले राधे कैया भी बोले राधे बछड़े भी बोले राधे अरे कैया भी बोले राधे बछड़े भी बोले राधे कैया भी बोले राधे बछड़ा भी बोले राधे दूध की धार से आवाज आए राधे राधे दूध की धार से आवाज आए राधे राधे ओ बोलो राधे राधे बोलो राधे राधे
बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, राधा काना अनमोल, बोलो राधे राधे, अनमोल बोलो। ताली बजाओ सभी, ताली जोर से, दोनों हाथ ऊंचा करो, हरि बोल। सूरज भी बोले राधे, चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे, चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे, चंदा भी बोले राधे, तारों की टिप से आवाज आए राधे राधे, तारों की टिप से आवाज आए राधे राधे, ओ बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, राधे राधे, राधा का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे, राधा का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। आशा मिट्टी मिट्टी ताली बजाओ सभी, बोले गो माता। सरयू भी बोले राधे, गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे, गंगा भी बोले राधे, सरयू भी बोले राधे, गंगा भी बोले राधे, सरयू भी बोले राधे, यमुना की लहरों से आवाज आए राधे राधे, दोनों हाथ उठा करो, लहरों से आवाज आए राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, राधा का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे, राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे, ओ बोलो राधे राधे, ओ बोलो, सभी बोलो, दोनों हाथ ऊंचा करो, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, जय जय श्री राधे, बोली बाकी बिहारी लाल की जय हो। अरे राधा का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे, राधे का मतलब कह रहे मालूम है आपने, राह दे, भगवान माने दिशा दे, राह दे, रस्तो दे, राह दे, परमात्मा हमको राह दे, रास्ता दे, मार्ग दिखा, उसका नाम ही है राह दे। नारद जी महाराज के भक्ति मैया के कि नारद जी मैं वृंदावन में गई तो मैं तो बन गई जवान, लेकिन मारा ज्ञान और वैराग्य रहेगा बूढ़ा, तो आप पे कोई ऐसी कृपा करो कि माने दोनों टाबरा रहो, ये जो बूढ़ा रहेगा नहीं मारा बालक, इन्हें जवान कर दो, मारा मन रमाने जो कष्ट है इन्हें दूर करो। अब नारद जी महाराज घना ही वेद सुनाया, घना ही पुराण सुनाया, लेकिन वे तसु मस नहीं रिया, उत्तर रिया, अब की कर जगाओ मैंने, तो आकाशवाणी रही के सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, कही क्यों सत्कर्म, मतलब कह रहे छोको काम करो, बढ़िया काम करो, भलो काम करो, सत्कर्म जो सत्य है सत्य रो कर्म करो। अबे नारद जी महाराज के मैं ध्यान किन पूछू सत्य कर्म कही रहे दौड़ता ऐसा पा आपने पेरणो ऐसा है भागवत जी आशीर्वाद है आप पेरण राख जो सर और एक ऐसा पे कोई गया रखो नहीं है ऐसा मिति रहे वो भागवत जी आशीर्वाद माता मत रखो ताकि आपने देख कोई और भी देख गया वास्ते हलो अबे महाराज नारद जी महाराज जावता रहे दौड़ तोड़ जावे के मैं किन्ने पूछू सत्कर्म कई रहे तो
सनकादिक मिल जावे। सनकादिक कौन? सनत, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, ये चार भाई ये मिल जाए। और पूछो नारद जी महाराज थे तो जोरदार ही जगो और तब दुखी लाग रहा उदास जुड़ा कई बात रही। तो केवी महाराज एड़ी बात बताई कि मुंटे गियो और मारा मन रे मन शांति नहीं मिली और बने कोई सत्कर्म बताओ सत्कर्म कई है। तो क्यों महाराज आप करो भागवत कथा सुनावो उनसु ज्ञान और विराग्य री मूर्छा हट जाई और वे चेतन हो जाई। ग्यारह सौ रुपया दिनेश जी सुनो नाथू राम जी काकड़े तरफ ताली बजाओ जोर सुसा बोले गो माते की। देखो सा आगे देख रुपया लीजो 511 रुपया ले तो आगे देख पार्टी देख लीजो सा जड़ो घर रहे नहीं उन अनुसार लीजो। ए छोटा मोटा तो हमारे माता ही कर दियो ठीक सा बड़ा प्रेम से सब दीजो आपने गायर वास्ते जे गांव री गायर वास्ते मैं कटे को लीजो मैं रुपया हाथ नहीं लगूं थाना पैसा थाना समिति दो ये रखे। और माता माने कहीं है आठ दस माने स्टाफ है अट्टे जी माँ भोजन बनावा अट्टे जी माँ किरे घरे भी जिम नहीं जावा क्योंकि दस दिन की कथा है सुबह शाम कटे जमा तो बीस जना जावा बाकी कह दे लो महाराज मैंने घर तो गया प्राण वे थाना छोका माँ खराब है गई पच हरेक ही आन के दे सामान आलो जिम ने तो माँ तो माने जड़ो कड़ो बनावा अट्टे जी माँ अट्टे जी बनावा ठीक है। हाँ भोजन प्रसाद भी अगर कोई देवनी चाहे तो लोग महाराज माने भोजन प्रसाद दी आज भोजन प्रसाद दी ना मार तरफ हुए आप सब माने तो पंडित जी सब माने ब्राह्मण मंडली है एंड आप लोग भोजन प्रसाद दी रहे भोजन प्रसाद पैसा माने देश को बोले ताकि माने आराम भोजन जीम सका मां दस जना रो मन टीम भी है सुबह शाम रा। तो महाराज नारद जी हरिद्वार रे मायने आनंद तट रे माते श्रीमद भागवत कथा रो आयोजन राखियो। अब सनत कुमार तो बढ़िया व्यास पीठ में बैठिया कथा करने वास्ते और सुनने वाला कौन नारद जी अकेला और भक्ति मैया और दोनों वह ज्ञान विरागी है। और धीरे 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 कथा शुरू हुई और हजार रे तादाद रे मायने संत महात्मा भगत लोग हरिद्वार में आ गया। अब सुंदर कथा शुरू हुई धीरे 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 कथा चल रही है और सनत कुमार नारद जी ने क्यों कि भागवत वेद रूपी वृक्ष रो फल है। अब जैसे जड़ रहे जड़ जड़ में मिठास नहीं रहे पत्ता रमा ने मिठास नहीं रहे इन वो बढ़िया पाग जा अंबो तो कितो मीठो लागे तो इतो मटो अहं वेद है और सारा फल है अब भागवत है। नारद जी महाराज सनत कुमार पूछियो के महाराज भगवान रो भजन करण भगवान री भक्ति करण तो कई लोग तिरगा लेकिन कोई एड़ो आदमी बताओ जिको आपने आकी उम्र माने पाप कर्म करियो खोटा काम करिया और वो भी एक बार भागवत कथा सुनो तिर जावे कई कियो के भगवान रो भजन करना हो तो कई संत महात्मा तिरे जाए भक्तान तारे जे लेकिन अड़ो कुण है जिको आपने आकी उम्र भगवान और नाम लियो खोटा काम करिया पाप कर्म करिया और भागवत कथा सुनना सु वीरो मोक्ष लिगो। तो सुरत कुमार नारद जी ने कथा सुनाई नारद जी कियो के महाराज भगवान रा भजन सु तो अच्छा अच्छा तिरगा और बड़ी सुंदर एक सुरत कुमार कथा सुनाई कि जिको अधो गति में गियोड़ो रहे अधो गति में गियोड़ो रहे वो भी भागवत कथा सुन ले तो वीरो भी उद्धार हो जावे। तो कथा सुनाई कि तुंग भद्रा नदी है
नदियों का नाम है तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बहुत ही सुंदर नगर हो, नगरों नाम का यो उत्तम नगर, नगरों का नाम है उत्तम नगर। वी नगर रे मायने एक आत्म देव जी नाम रा ब्राह्मण रहता, पंडित जी महाराज कौन रहता, आत्म देव जी नाम रा एक पंडित जी रहता। पंडित जी बड़ा ही सरल स्वभाव रहा, सीधा साधा हा, लेकिन थोड़ा लोभी हा, कहीं हा थोड़ा सा लोभी हा, लेकिन हा सीधा साधा। आप जो भी दिनचर्या चलती, कोई यजमान बुलावता बट जान को पूजा पाठ करा देता, थोड़ा घो जो आओ तो और आप काम चलावता। पंडित जी महाराज तो घने सीधा, लेकिन मैंने लुगई देखो रेवेसा कटे कटे जोड़ो भगवान तो बनावे, लेकिन कटे कटे कहीं एक ट्रैक्टर और टायर टायर और कटे कटे साइकिल और टायर लाग जाए, कटे कटे ट्रैक्टर और टायर और साइकिल टायर लाग जाए। अब महाराज तो घड़े सीधा लुगई बनी उल्टी, महाराज जिन टाइम घर में आवता तो इतनी मीठी बोलती, सेवा करती, आरती उतारती, मोको देखती कि महाराज कहाँ जावे घर बारे, जो घर बार निकले महाराज वीरो राज नाम कहियो, वीरो धुंधली कहीं नाम हो धुंधली। अबे महाराज जी, हाँ महाराज गया ब्रा, अबे घर में राज खुदरो, आस पड़ोस यार चार पांच लोग ने बुलाए ली, कई लोग उन्नी बैठे रहे, आ जावे थारी बींदनी बेड़ी वीरी बींदनी बेड़ी वीरी देरानी अड़ी, अबे गांव री पूरी भूंडया खोटिया बैठे बैठे चुगलिया काम करे, वो काम खोटो काम दूजो आस पड़ोस से लड़ना रो काम, थारो नाड़ी रो पानी मारट ना आएगो, वाके थारो नाड़ी रो पानी मारट ना आएगो, कचरो अटना आएगो, अब दिन भर भी रो काम लड़नो झगड़नो। और जो देखता हाँ महाराज अब आने टाइम आते घर में जा जवान बैठ जाती है, भगवान की पूजा करती है, नाटक शुरू कर देती है। घर में मायने हर बात रो आनंद हो, लेकिन एक चीज की कई कमी, घर में टाबू टुबर को नहीं हो, घर में टाबू टुबर को नहीं हो। घर में मायने तुलसी रोपता तो थोड़ा दिनों बाद तुलसी भी सूख जाती, घर में गाय है वही बांझड़ी है वीरे भी को नहीं। एक दिन पंडित जी महाराज घर बारे निकलता तो हम कोई लोग आवता कोई जावता गांव जाता, हम देख रहे फाचा मुड़गा, तो मन रे माने विचार करियो कि कह रही हो भाई फाचा क्यों मुड़िया, कि महाराज की कोने तो बताओ फाचा क्यों मुड़िया रियो कहीं, कि थे बांझिया हो जो थाना हुकुन खोटा रहे हुए कही क्यों, तो मन रे माने वाह तीर लगी और एड़ और तीर थाना किन लगो किन लगो, अजमाल जी महाराज ने थे तुरे बीरा अरे बांझिया कहावो, अरे माने साची साची बात बताओ जियो, गणी गणी खमारे कवर अजमाल रा अरे घनी घनी हमारे तवर अजमाल रा, घनी घनी हमारे तवर अजमाल रा। यूरियो अजमाल जी महाराज जी घर बारा निकलता, किसान लोग खेता रवाने जाओ तो हल जोतने, लेकिन फाचा मुड़ गया कि फाचा क्यों मुड़िया, कथे बांझिया हो थाना मन सुगन खोटा कर दिया, तो मन रे माने अजमाल जी महाराज आयो कि भगवान सब कुछ दियो लेकिन पुत्र ने दियो, और रिया बड़तड़ा द्वारका गया और भगवान जी मूर्ति में उब गया और भगवान माता चिड़न लगा कि अड़ा मैं कई खोटा काम करिया, तो थे मन पुत्र ने दियो और लोग मान दे मुंडा मोड़े, रिया बड़ता लाडू पड़ियो लड्डू को सुकुड़ो रला घड़ा देना रो उठान ठोकी, जो भगवान रे मूर्ति माते भगवान लगी माता में, और ये बड़ा जान समुद्र मायने कूद गा, समुद्र में कूदिया आगे भगवान होता
हैंग देवी देवता उबा भगवान दे हाथा पूछे लक्ष्मी जी मल्ल मन लिवड़ा उबा अजमाल जी जान के वे कि हैंग देवी देवता उबा है बात कही नहीं तो कि परमात्मा कह रही हो कही करा भाई कोई कोई भड़ो भड़ो भगत मारे लाडूडारी मारी है। अजमाल जी रोन लागा हे परमात्मा समा कर दो मने तो भगवान तो बड़ा दयालु लोगारी गालियां खा ले ठोके तो मार ही खा ले लेकिन ऋणो सच्चो विश्वास ऋणो सच्चो विश्वास यशोदा मां लकड़ी ठोकता भगवान है नचावता गुजरिया दही रे वास्ते छाछ वास्ते भगवान ने अपने आंगन में नचावती नाच